गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं गृह विज्ञान में पढ़ेंगे आगे के लिए। गृह विज्ञान में हमने आगे पिछले भाग में क्या पढ़ा था के पकाने की विधियां पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे आज के सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सोलर कुकर से कैसे खाना पकाया जाता है और क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसमें लाभ है, क्या हानि है और क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सोलर कुकर, यह एक घनाकार बॉक्स होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं घनाकार बॉक्स, इस टाइप का बॉक्स बड़ा बना होता है ऐसे, और इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूटकेस के टाइप का होता है ये बॉक्स, और बाहर से देखने में कैसा दिखता है, सूटकेस टाइप ये दिख रहा है आपको, सूटकेस जैसे दिखता है। हैंडल बॉक्स में लगा होता है, फिर इसे सूटकेस की भांति ही खोला जाता है। नीचे का पल्ला मोटा व गहरा होता है, जिसमें खाना पकाने के लिए डिब्बे रखे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिब्बे रखे होते हैं इस तरह। फिर इसमें खाना पकाने के बर्तन डिब्बे होते हैं, तो कुकर का अंदर का भाग डिब्बे दोनों काले रंग से पुते होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, इसलिए डिब्बे के अंदर का भाग पूरा काले रंग का होता है। और ये क्योंकि अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसमें डिब्बों के अंदर फाइबर का ग्लास लगा रहता है, पारदर्शक होता है, जिसमें कि परावर्तित सूर्य की किरणें पड़ती है और अवशोषित करने की क्षमता उनकी बढ़ती है और होती है। दोनों पालियों के बीच में जंजीर होती है, जिससे कि किरणों की दिशा के अनुसार दर्पण को घुमाया जा सकता है, और कुकर की बाहरी जो दीवार होती है उसमें ऊष्मा का अवरोधक होता है। अंदर की ऊष्मा बाहर जाने को रोकती है, इस प्रकार से ये सोलर कुकर की बनावट है वह होती है। अब हम देखेंगे ये क्रिया, इसके फंक्शन क्या है। सूर्य के प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं, फिर दर्पण किरणों से परावर्तित करके बॉक्स के गहरी बॉक्स में भेजता है। बॉक्स का अंदर वाला भाग वह डिब्बा किरणों की ऊष्मा का अधिकतम अवशोषण कर लेता है। अंदर के गहरे भाग का तापमान बढ़ जाता है, डिब्बों के अंदर का पानी भाप में बदलकर उसमें रखे पदार्थ को बॉइल कर देता है। ये क्या सूर्य की किरणें जो अवतल दर्पण में पड़ रही हैं, उसके द्वारा भोज्य पदार्थ जो भी रखा रहता है वो पानी की भाप में बदलकर उसमें उबल जाता है। उपयोग की विधि या मेथड, यूज का मेथड क्या है, उपयोग का विधि इस प्रकार निर्भर करती है कि हमें कौन सा भोजन लिक्विड पकाना है या सेमी लिक्विड ड्राई वाला, जैसे कि किशमिश वगैरह भी हम रख देते हैं, अगर अंगूर वगैरह ऐसे वाले जो होते हैं, बैगन हुआ और आलू हुआ, अंगूर हुए, ये सब चीज भी हम इसमें भून सकते हैं, तो वो ड्राई होके अच्छे से पक जाते हैं। जैसे बताया है कि दालें सब्जियां आदि चावल सूखे भुने वाले पदार्थों को बिना पानी डाले डिब्बों में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि बैगन आलू सूजी आटा आदि भी भुंज जाता है, जिससे सूर्य की किरणें परावर्तित होकर गहरे भाग पर पड़ती हैं और खाद्य पदार्थ को पक जाने में डिब्बों से निकाल लिया जाता है और डिब्बों को साफ करके फिर से सुरक्षित रख दिया जाता है। ऐसे करके हम सोलर कुकर में भोजन को पकाते हैं। अब है कि इससे सावधानियां हमें क्या क्या रखनी चाहिए सोलर कुकर में भोजन पकाने के समय। सोलर कुकर को सावधानी से उठाना रखना चाहिए, ताकि उसका दर्पण शीशा टूटने या चटकने ना पाए। उपयोग के बाद डिब्बों को अच्छी तरह पोंछ कर साफ सूखा रख देना चाहिए। डिब्बों को रखकर साफ नहीं रखना चाहिए, उनको पानी छूटने से भी भय रहता है, इसलिए रगड़कर नहीं धोना चाहिए। उपयोग करने के बाद बंद अवश्य कर देना चाहिए, जैसा सूटकेस में जैसे वो रखे रहते हैं डब्बे, वैसे ही बंद करके रख देना चाहिए, ताकि धूल इत्यादि ना लगे। फिर इससे लाभ क्या क्या है, ईंधन और धन की बचत होती है, विटामिन अधिक मात्रा में सुरक्षित होते हैं, भोजन स्वास्थ्य के लिए
कार्य भी किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य की किरणों के द्वारा पकता है, तो हम इसको छत में ऊपर रख सकते हैं सूर्य के प्रकाश में, और खाना हमारा आसानी से पक जाता है, और उसी समय हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। फिर है पोषक तत्वों की सुरक्षा कैसे होती है। कढ़ाई में सोलर कुकर में पकाते समय खाने में पोषक तत्वों की सुरक्षा क्या है, देखिए लवणों की सुरक्षा होती है। पकाते समय कुछ लवण गर्मी के कारण जो नष्ट हो जाते हैं, कैल्शियम लोह तत्व गर्मी का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, फिर भी जिस पानी में सब्जी उबालते हैं उसे पीसना नहीं चाहिए, और क्योंकि लवण घुलकर पानी में आ सकते हैं, उबाले हुए पानी का ही पुनः सब्जी बनाने का प्रयोग कर लेना चाहिए। पालक मेथी के उबलने में पानी को फेंकने की बजाय सब्जी में या दाल में मिला देना चाहिए। मांस को उबालते समय हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, तो इसे 140 डिग्री फारेनहाइट पर उबालने से इसका लवण तत्व नष्ट नहीं होता है और बाहर पानी में आ जाते हैं। अतः मांस के पानी के सूप या दाल बनाने में काम लेना चाहिए। यही कारण है कि भुनी हुई मछली तली हुई मछली की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती है। विटामिन की सुरक्षा, विटामिन ए पकाने से नष्ट नहीं होती है क्योंकि तो जल में अवधेय है, अतः ऊष्मा की सहन शक्ति होती है। मक्खन गर्म करने से उसका विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन भी जल में घुले है, अतः जल में घुलने से नष्ट होने की संभावना है। विटामिन सी जल में विलेय है, अतः जल्दी नष्ट होते हैं, इसलिए हरी सब्जियों का उपयोग विटामिन सी के कारण है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सब्जी को कम आग पर थोड़ा ही उबालना चाहिए। कोशिश करें कि कच्चा ही सलाद के रूप में खाएं सब्जियों को। आलू फ्राई बिना छीले उबालें, छीलना नहीं चाहिए। पकी हुई सब्जी को परोसने से अधिक समय तक गर्म नहीं रखना चाहिए। कोशिश की जाए और भी सब्जी आदि को सीधा आग पर गर्म ना रखकर सूखा ही भूजा जाए, जैसे कि सूखी सब्जी, तली हुई सब्जी, पूरी पराठा आदि अधिक पौष्टिक नहीं होते, इसलिए हमें उबला हुआ खाना खाने से ज्यादा पौष्टिकता होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का उसका भी पाचन, जो पाचन की क्रिया होती है, वो उबले खाना में ज्यादा अच्छे से पच जाता है। बच्चों आपको ये सब पढ़ना है और कॉपी में लिखना है, और क्वेश्चनों के आंसर भी आपको देखने हैं इसके अनुसार।